तो अब हम अगला आपका टॉपिक है स्टेथोस्कोप। जैसे कि आपने अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। तो देखिए, स्टेथोस्कोप इज वेरी यूजफुल फॉर अ डॉक्टर। स्टेथोस्कोप जो होता है वो डॉक्टर के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। ही यूज इट टू लिसन द साउंड ऑफ हार्ट बीट, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। और वो इसका यूज क्यों करता है, क्यों करता है? एक तो हमारी जो हार्ट बीट है उसको चेक करने के लिए, लंग्स वगैरह जो होते हैं हमारे उसको चेक करने के लिए, और भी इनसाइड हमारे अंदर और भी बॉडी के इनसाइड ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर उनको भी चेक करता है इसके द्वारा। तो देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हाउ द स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड। तो देखिए, स्टेथोस्कोप किस तरह से इन्वेंट हुआ, इसके पीछे एक आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या है स्टोरी है? वंस इन फ्रांस इन 1816 A doctor named Rene Lenac was going to his clinic. एक बार क्या हुआ था, 1816 में एक फ्रांस में एक डॉक्टर थे, उनका नाम था रीन लेनक। क्या नाम था? रीन लेनक, ठीक है। वो अपनी क्लिनिक पर जा रहे थे, तो क्या हुआ, ऑन द वे ही स्पॉटेड टू चिल्ड्रन एट ईच एंड ऑफ अ हॉलो लॉग। वन ऑफ द चिल्ड्रन विस्पर्ड एट वन एंड एंड अदर ऑन द अदर एंड वुड लिसन टू द साउंड क्लियरली। तो उन्होंने देखा रास्ते में दो बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है, दो बच्चे बैठे हुए थे, तो वो क्या कर रहे थे, उनके पास एक हॉलो मतलब होता है खोखला, क्या होता है खोखला, एक लकड़ी का ऐसा बांस वगैरह जो भी होगा उनके पास, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, एक बच्चा जो था वो दोनों एक दूसरे को विस्पर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, विस्पर कर रहे थे मतलब कुछ बोल रहे थे एक दूसरे को उसके द्वारा। तो क्या हो रहा था कि इस तरफ जो बच्चा बैठा हुआ था वो दूसरी तरफ वाले बच्चे को आसानी से सुन पा रहा था, जैसे उधर से उसने कुछ बोला तो दूसरा जो था वो आसानी से उसको सुन पा रहा था उसकी आवाज को, ठीक है। तो अपॉन रीचिंग हिज क्लिनिक लीन लेनक कॉल्ड द फर्स्ट पेशेंट इन रोल्ड अ न्यूज़पेपर एंड पुट इट ऑन हिज चेस्ट। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट ही कुड लिसन टू द साउंड ऑफ द हार्ट एंड लंग्स क्वाइट क्लियरली। तो उसने क्या किया, जैसे ही वो जो डॉक्टर थे वो अपनी क्लिनिक पर पहुंचे, ठीक है, वैसे उन्होंने क्या किया, अपने पेशेंट को बुलाया और उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिया, क्या लिया, न्यूज़पेपर लिया और उसको रोल किया, एकदम फोल्ड करके रोल किया और उसकी चेस्ट पे रखा उन्होंने इसके पेशेंट की और उनको सुना कान से, ठीक है। तो उनको मतलब उसकी जो हार्ट बीट तो वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी उनको न्यूज़पेपर से, ठीक है। इसी से फिर क्या हुआ, He worked on this idea. This was how the stethoscope was invented. फिर उन्होंने क्या किया, इसी के ऊपर और काम किया अपना, ठीक है, इसी विचार के ऊपर, इसी आइडिया के ऊपर और काम किया और फिर इसी प्रकार से उन्होंने जो हमारा stethoscope है उसका invention कर दिया, okay? तो इस तरह से आपका stethoscope का invention हुआ था। और इसका यूज किसके लिए होता है, हार्ट बीट सुनने के लिए या लंग्स में अगर हमारे कोई प्रॉब्लम है उसको सुनने के लिए, या और भी बॉडी पार्ट जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे उसके अंदर कोई खराबी वगैरह होती है उसके लिए, उसको सुनने के लिए होता है। तो यही आपका इतना टॉपिक था इसका, ओके।